वट विल बी द इफेक्ट इफ आवर डॉक्यूमेंट गेट्स का इफेक्ट क्या होगा और नॉन इफेक्ट क्या होगा ये सब हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं नाउ वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट ऑफ दिस वेरी इम्पोर्टेंट एक्ट एंड ऑल्सो ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा क्या है पावर्स एंड द ड्यूटीज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हम मेनली समझेंगे टिल सेक्शन फिफ्टी वन टू सेवेंटीज एटीज तक तो अब आपने अपनी बेल्ट बिल्कुल टाइट कर लीजिए बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर रजिस्ट्रार्स द पावर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स के पास क्या पावर होती है इवन दो जो सब रजिस्ट्रार्स है उनके पास क्या पावर होंगी राइट right, बच्चे सो so, आज के इस सेशन में हम ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैंने क्या किया है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल्सो क्या होता है बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कौन से रजिस्ट्रार की बात कर रहा है उसकी पावर्स की बात कर रहा है या उसकी ड्यूटीज की बात कर रहा है प्लस यही पावर्स ड्यूटी सब सब रजिस्ट्रार वाला सेक्शन है कि रजिस्ट्रार का है तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेनली मैंने ये सेशन बनाया है इसमें मैं आज आपको एक इतने इजीली डिवीजन करके दूंगी कि आपको खुद ही लर्न हो जाएगा सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन फिफ्टी टू हमारा वो सारे पावर्स और ड्यूटी स्टार्ट होते हैं राइट नाउ आपका एक सेक्शन फिफ्टी वन रिमेनिंग था उसको हम पहले डिस्कस करेंगे

इट सो द वेरी फर्स्ट सब सेक्शन सेक्शन ऑफ क्या बात करता है दैट द बुक्स आर टू बी केप्ट इन सेवरल और वो बुक्स कौन सी होंगी देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस जितने भी होते हैं उनमें हमारी बुक्स होती हैं बुक नंबर वन टू थ्री फोर राइट ये बुक्स होती हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बुक नंबर वन बेसिकली क्या इंक्लूड करती हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम बुक नंबर वन में लिखते हैं देन सेकेंडली आ जाती है कि बुक नंबर टू बुक नंबर टू में इंक्लूड होते हैं रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर द रिफ्यूजल टू रजिस्टर अगर रजिस्ट्रेश रजिस्ट्रार और या रजिस्टरिंग ऑफिसर्स किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर देते हैं या उसको रिफ्यूज कर देते हैं मीन्स बेसिकली रिफ्यूजल तो उस रिफ्यूजल के पीछे उन्होंने क्यों मना किया है उस स्टेटमेंट को भी लिखना जरूरी है अदरवाइज तो ये पार्टी के साथ इनजस्टिस हुआ ना उनको पता तो होना चाहिए कल अगर उनके लिए कोई भी केस उठता है या कोई बात उठती है तो एटलीस्ट रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपना केस साफ करने के लिए अपना पक्ष दिखाने के लिए उस रीजन को दिखा सकता है कि दैट्स वाई आई रिफ्यूज दिस डॉक्यूमेंट ये रीजन था तो क्या कारण रहा है रिफ्यूजल का वो लिखा जाता है

जितने भी उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको बुक नंबर थ्री में देखने को मिलेगा तो इससे नॉलेज क्या है अगर आप अपनी विल रजिस्टर करवाने जा रहे हैं आपको पता है कि बुक नंबर में मेरा मिलेगा डॉक्यूमेंट या आप अगर किसी पर्सन की विल को निकलवाना चाहते हैं ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको पता है कि बुक नंबर थ्री ओपन कीजिए ठीक है लॉ स्टूडेंट होने के लिए आपको इसलिए बुक्स का पता होना चाहिए कमिंग टू द नेक्स्ट बुक बुक नंबर फोर में आ जाते हैं आपके रेस्ट अदर मिसलेनियस ओके okay, मिसलेनियस जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे रजिस्टर्ड होंगे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपके बुक नंबर फोर में आ जाते हैं ऑलराइट right, बच्चे अब रह गई आपकी बुक नंबर फाइव या तो हमने बुक नंबर फाइव भी इंक्लूड करी थी पढ़ा है बुक नंबर फाइव के बारे में भी बुक नंबर फाइव आपकी आती है इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार्स ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में मिलते हैं ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसिस में ये रजिस्ट्रार के ही ऑफिस में मिलेगी बुक नंबर फाइव और इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल्स राइट डिपॉजिट ऑफ विल्स सिर्फ किसमें मिलती है डॉक इस बुक नंबर फाइव में ऑलराइट right बच्चे अब जो बुक नंबर 1 है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इसमें आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग की जाती है या वो उन सारों की एंट्री लिखी जाती है जो कि हमने सेक्शन 17, 18 में पढ़े थे जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है नॉट विल्स 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 आपकी बुक नंबर को की अदरवाइज सारी मूवेबल प्रॉपर्टी बुक नंबर वन में आएगी ओके okay, अब आपको बुक नंबर मिसलेनियस है उसमें क्या डिफरेंस है बुक नंबर फोर शेल बी एंटर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड अंडर द डी एंड एफ ऑफ सेक्शन एटीन

और इट्स एन दिस एग्रीमेंट टू मोर्टगेज है तो इट इज़ अगर वो में है, और इसके इंटेंशन नहीं, उसको रजिस्टर करवाने की ऑलराइट बच्चे के, के. Right, so के डॉक्यूमेंट्स को पता करके आपको पता लग जाता है कि इस डॉक्यूमेंट की पीछे क्या आइडेंटिटी है ऑल राइट right, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 51 वन आई होप आपको सारी बुक्स के बारे में पता लग गया है कि कैसे इनको हमें बायफरकेट करना है और किस बुक के अंदर क्या लिखा जाता है और कौन सी बुक किस ऑफिस में मिलेगी ओके नाउ कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज हमने क्या किया है पावर्स एंड ड्यूटीज को मैंने आपके लिए डिवाइड कर दिया और एक फ्लो चार्ट बना दिया ताकि आपको इजी समझ में आए बेशक आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए साथ में ठीक है सो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स को दो केसेज में डिवाइड कर दिया है ओके वन विल बी हेयर ड्यूटीज एंड अदर इज हेयर पावर ओके ड्यूटीज एंड पावर बेसिकली जो पावर एंड ड्यूटीज हो क्या है वो आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन है वो आपको सेक्शन एटी फोर और 86 सिक्स में हम करेंगे दैट वाज लेटर ऑन अभी मैंने ड्यूटीज और पावर को डिवाइड किया है सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगी आपकी ड्यूटीज किसकी ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ओके रजिस्ट्रिंग ऑफिसर और यहाँ पे पावर भी फर्स्ट पे मैं किसकी लिख देती हूँ ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ठीक है पावर ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ओके सो ड्यूटीज के आपके सेक्शन कौन से रहेंगे फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव देन फिफ्टी सिक्स को स्किप करना है फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी बेसिकली फिफ्टी टू टू आपके सेक्शन रहेंगे ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के और पावर ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर आपकी कौन सी है कुछ सेक्शन ऐसे है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ हमें लेटर ऑन करने हैं तो आपका सेक्शन यहाँ पे हमने स्किप कौन सा किया है एक सिक्सटी वन तक तो यहाँ है यहाँ पे आपके सिक्सटी थ्री में आएंगी पावर्स देन 26 हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें भी पावर पड़ा था 31 हम ऑलरेडी कर चुके हैं थर्टी कर चुके हैं 41 कर चुके हैं और एक आपका आएगा 83 63 और 83 लेटर ऑन ये दो सेक्शन है पावर ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो हम पढ़ेंगे आपको खुद ही आइडिया मिलता जाएगा राइट right, बच्चे देन कमिंग टू द सेकंड थिंग सेकंड डिवीजन मैंने क्या किया है ड्यूटीज ऑफ सब रजिस्ट्रार एंड अगेन हेयर पावर्स हैं तो यहां पावर ऑफ सब रजिस्ट्रार राइट सो so, पर क्या होगा आपकी जो ड्यूटीज है ड्यूटीज के सेक्शन में आपका कौन से सेक्शन आएंगे 61 यहाँ पर आपका क्या आएगा 64 एंड 65 में आपकी आ जाएंगी ड्यूटीज एंड पावर्स में कौन से आएंगे बच्चे पावर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार 63 में रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की भी है और सब रजिस्ट्रार की भी है तो इसलिए सिक्सटी Again, 26, 31, ट्वेंटी सिक्स थ्री सेम ही रहेंगे, ठीक है सेम है दोनों की चीजें तो इसमें भी हम बेसिकली थ्री और एटी थ्री ही पढ़ने वाले हैं ऑल राइट कमिंग टू द नेक्स्ट डिविजन कौन सा किया मैंने ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार ओके और यहां पर भी क्या आएगा अब थर्ड में पावर ऑफ रजिस्ट्रार है ना रजिस्ट्रिंग ऑफिसर सब रजिस्ट्रार देन रजिस्ट्रार Registrar के ड्यूटीज आप कौन से सेक्शन में पढ़ेंगे ये आप पढ़ेंगे एंड में आपको भी आपने है और ये 65 है. Right, 66. आपको कौन सेक्शन में मिलेंगी कुछ सेक्शन हम कर चुके हैं ट्वेंटी फाइव हमने कर लिया थर्टी एंड सिक्स में भी आपको क्या मिलेंगी पावर ऑफ रजिस्ट्रार अब रह गया वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग डिवीजन की रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स में एक और हमारे कौन होते हैं इंस्पेक्टर जनरल सो ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इनके हमारे सेक्शन कौन से होंगे सेक्शन 69 सिंगल सेक्शन है याद रखिएगा एंड इंस्पेक्टर जनरल यहाँ पर भी पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन इनके हमारे सेक्शन रहेंगे सेक्शन यहाँ पर भी सिक्सटी नाइन एंड सेवेंटी ऑल राइट बच्चे बहुत इजी तरह बता दिया यहाँ पर 52 से 61 तक चलेंगे यहाँ 63, 83, देन 64, 65, सेम 65, 66, यहाँ 68 आ गया 69 एंड 70 डन और जब इन सारे पावर्स एंड ड्यूटीज का जो कंक्लूजन है कंक्लूजन आपको दिया गया है सेक्शन 81 में सेक्शन 81 में क्या लिखा गया है उसमें लिखी तो बस दो बातें गई हैं जब मैं वो कराऊंगी आपको अच्छे से समझ में आएगा अभी के लिए समझो सेक्शन 81 में जस्ट कंक्लूजन है जो कि क्या कहता है पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड दे आर लिमिटेड जो लिखी गई है एंड इफ रिक्वायरमेंट्स जो फुलफिल हो जाती है इट इज द ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर कि वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करें ऑल राइट right, बचे सो विद दिस आई होप आपको ये जो मैंने डिविजन किया है ये अच्छे समझ में आया है नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 52 एंड ड्यूटीज और पावर्स को हम साथ-साथ करते जाएंगे आपको समझना है क्या सेक्शन uh, कह रहा है इसमें क्या ड्यूटीज हैं सेक्शन 51 आज हमने कर लिया है एंड विद दिस आवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन एक्ट इज सून गोइंग टू बी स्टार्ट विद नेक्स्ट सेशन टिल देन कीप रीडिंग एंड मेक नोट्स ऑफ दिस सेक्शन हैव अ नाइस डे थैंक यू